42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। आज मेले का चौथा दिन है। इस बार क्या कुछ खास है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, ये हम आपको दिखाएंगे और इसके लिए हम मेले के अंदर जाएंगे। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एंट्री का प्रोसेस क्या है। अगर बात टिकटों की करें तो टिकट आपको दिल्ली के तकरीबन 50 से अधिक मेट्रो स्टेशन पर व्यापार मेले की यहाँ से मिल जाएगी। हर स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट अवेलेबल है। और यहाँ अभी हम जा रहे हैं, हमारे पास चूँकि मीडिया के पासेज हैं तो उसके आधार पर हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। गेट नंबर 4 ये है और 4 पर आप देख रहे हैं, 4 पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है प्रॉपर चेक किया जा रहा है, जो टिकट्स हैं उन लोगों के टिकट वेरीफाइड हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम तरह की तैयारियाँ यहाँ दिख जाएगी। लोगों को चेक किया जा रहा है और फिर आगे के प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं। कितने लोग तकरीबन जाते होंगे मेले में रोजाना, इस गेट की अगर बात करें, एक दिन में कितने लोग जा रहे हैं? कम से कम 2000 तो जाते ही हैं। 2000 लोग इस गेट से एंट्री करते हैं रोज। और सर देखिए, चेक कीजिए पहले सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चेक करा रहे हैं हम और आगे फिर इसके बाद बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूर्णतः आप देखेंगे तलाशी का जो तरीका है वो अच्छे तरीके से है। आगे स्कैनर मशीनें भी आपके पास होगी। जो बैग है, अभी कैमरा पर्सन हमारे हैं वो दिखा नहीं सकते आपको, कैमरा पर्सन है वो चेक करा रहे हैं अपनी। तो आगे, अब आगे के प्रोसेस चलते हैं, आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कितने लोग जा रहे हैं अभी, मतलब तकरीबन अभी 8-10 हज़ार तो हर दिन आ रहा है बंदा। अभी तो VIP एंट्री चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम खुलेगा तब आगे और बढ़ेंगे, जब पब्लिक एंट्री ओपन हो जाएगी सबके लिए। अभी तो व्यावसायिक डे है लेकिन 8-10 हज़ार लोग जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन बिजनेस क्लास के लिए चल रहा है, लेकिन उसके बाद पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो तकरीबन 1 लाख तक आने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए तब होगी भीड़ मेले में। और अब चलिए थोड़ा दिखा दीजिए भाई किस तरह के सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम है। तमाम चीज़ें आपको दिख जाएगी लगातार। उधर महिलाओं की जो एंट्री है वहाँ भी आप देखेंगे महिला पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को चेक कर रही है। और अब आगे देखिए, आगे देखेंगे आप, मैं चाहूँगा रॉ किस तरह से प्रॉपर वे में। और ऐसी एंट्री गेटें कम से कम यहाँ पर आपको 7 से 8 है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं मेले में। मेले में पूर्णतः आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसकी व्यवस्था ITPO के साथ साथ जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं उनके द्वारा की गई है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह की तैयारियाँ हैं। तो इधर देखिए महिला डिवीज़न आपका अलग हो गया, इधर से जो जेंट्स है वो जाएंगे और आगे ही लिखा है तालासी बूथ महिला है लेडीज़ के लिए, इधर जेंट्स के लिए व्यवस्था है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब सुरक्षा किस तरह पुख्ता हो व्यापार मेले की, इसका पूर्णतः पूर्ण रूपेण जो है यहाँ पर इंतजाम किया गया है। डबल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी तलाशी ली जा रही है। बैग कैमरा पर्सन मेरे यहाँ रखेंगे अभी, जो हमारा कैमरे का बैग है। और देखिए किस तरह से ये बैग रख दिया है हमने कैमरे का, और इस बैग को थोड़ा सा बड़ा बैग है इसलिए उधर निकलने में दिक्कतें हो रही है। और सर चेक कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल, तो चेकिंग हमारी हो रही है। और यहाँ पर पूर्णतः पूर्ण रूपेण जिस तरह से चेक किया जाता है, और मीडिया वाले को थोड़ा ज़्यादा इसलिए किया जाता है कि भाई पता चले कि हाँ मेले में जो है तलाशी प्रॉपर वे में चल रही है। कैमरा पर्सन को भी चेक किया जा रहा है, अलग जो उनके पॉकेट में चीज़ है देखिए कुछ होगा इसलिए वो चीज़ें दिख रही है। की था, चाबी था जिस पर डाउट हुआ और इसलिए उन्होंने कर देंगे सर लाइव है। तो बिल्कुल सर कह रहे हैं कि एक बार बंद करिए, इनको डिस्प्ले देखना होता है। तो डिस्प्ले हम दिखा देंगे सर को कि डिस्प्ले है प्रॉपर वे में। और अब कैमरा पर्सन यहाँ से हमारे बैग लेंगे और हम चलते हैं अंदर का नज़ारा आपको थोड़ा दिखाएंगे कि अंदर किस तरह की चीज़ें हैं। अंदर हम बाइक से भी एक विजिट आपको कराने वाले हैं, चूँकि हमारी एंट्री पहले ही जो VIP गेट है उधर से हो चुकी है, हमारी गाड़ी भी अंदर है। और अंदर चल के हम पूरा हॉल आपको बाहरी जो नज़ारा है वो यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग घूम के आए हैं मेले को, इन लोगों से भी बात कर लेंगे। सर क्या क्या देखा आज आपने? जी हमने दिल्ली का पवेलियन देखा, हाँ, और ज्वेलरी देखी और स्टोन्स का देखा। एक बहुत बढ़िया शॉप है वेदांतिका इंटरप्राइज, वहाँ से हमने शॉपिंग भी करी। अच्छा,
कैसा लगा हर बार के मेले में और इस बार के मेले में, कितना अंतर? इस बार के मेले में एक तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया लगी हमें, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मैडम भी साथ ही हैं? मैडम भी साथ ही हैं जी। क्या क्या देखा आज आपने? मैंने हैंडलूम का देखा है, स्टोन्स का देखा, ज्वेलरी, फुटवेयर एंड अपने कार्पेट्स, ड्राई फ्रूट्स का इस बार बहुत ज़्यादा है, अफगान से भी है, अपने यहाँ से भी है, कश्मीर का। अभी जितना कवर कर पाए आज की डेट में हमने उतना किया है। कब आए थे, कितने बजे आए थे हम लोग? अराउंड 1 o'clock आए थे, इनफैक्ट उससे भी पहले ही आए थे। इधर देखिए किस तरह से आपको पानी के फुहारे दिख जाएंगे, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ी देर मेले में थक गए और इधर बैठना चाहे तो रिलैक्स एकदम अपना वाटरफॉल की जगह पर आप रिलैक्स होकर पूरी तरह से देख सकते हैं चीज़ों को। एक्सेलेटर सहित लिफ्ट में चुकी फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ सेकंड फ्लोर पर भी मेला है, तो ऐसे में आपको लिफ्ट की सुविधा भी मिल जाती है, एक्सेलेटर की सुविधा भी मिल जाती है, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। अब प्रोटोकॉल की ये गाड़ियाँ देखिए, ये गाड़ियाँ जो लोग जाना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए है, आराम से चूँकि उनकी एंट्री हो और एकदम आराम से वो मेले का लुत्फ़ उठा सकें। आगे अब हम आपको दिखाएंगे अपनी बाइक पर जाकर, और बाइक पर जाने के बाद हमने फूड कोर्ट के पास अपनी बाइक खड़ी की हुई है, और यहाँ से हम आपको और दिखाएंगे नज़ारा कि आखिर किस तरह बाहरी जो एरिया है ट्रेड फेयर का और ख़ासकर प्रगति मैदान का, वो किस तरह का दिख रहा है। जब लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, किस तरह का नज़ारा है, कितना प्रगति मैदान को बदला गया है इस बार ट्रेड फेयर के लिए, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे ही जस्ट बाइक है, और इसके बाद हम दूसरी तरफ से आपको ये भी दिखाने वाले हैं फूड कोर्ट के साथ साथ बाहरी जो एरिया है, जो भी जितने भी हॉल है यहाँ पर उनका बाहरी लुकअप क्या है, और इसके बाद हम अलग अलग हॉल के अंदर भी जाकर आपको दिखाएंगे कि हॉल के अंदर देखने वाली चीज़ें क्या क्या है। कितना सुंदर इस बार किस तरह भव्य तरीके से पूरा ट्रेड फेयर यानी प्रगति मैदान को सजाया गया है। प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर देखिए जो गेस्ट है उनके लिए इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम है, और इससे अगर आप आगे के तरफ बढ़ते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। अलग अलग एग्जीबिशन हॉल जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और अब हम पहुँच गए हैं गेट नंबर 6 पर, जहाँ से आम जनों की एंट्री है, आम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। चूँकि व्यावसायिक दिन है और व्यापारिक दिनों का आज चौथा दिन है, इसलिए मेले में आपको अभी आम लोगों की जो ग्राहक है उनकी उस तरह की भीड़ भले ही ना दिखाई दे, लेकिन मेले में जब अंदर आप हॉल के अंदर जाएंगे तो भीड़ खचाखच भरी हुई आपको नज़र आएगी। बात करेंगे मेले की सजावट की, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से, कितना रिडेवलप्ड जो प्रोजेक्ट था प्रगति मैदान का, उसमें आपको कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे वो भारत मंडपम, जहाँ पर G20 की बैठक हुई थी, और इसके बिल्कुल लगे हुए पूरा ये क्षेत्र आप देख रहे हैं। हॉल नंबर 1 आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके बाद अलग अलग गेट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग लगातार जो है प्रगति मैदान का लुक आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मेला है, आप देखेंगे यहाँ पर जो सीट दिए गए हैं, जिस तरह से एंट्री के लिए नीचे बेसमेंट पार्किंग है, मेले में तमाम तरह की जो फैसिलिटी और सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। और आप देखेंगे यहाँ बात हो इन्फॉर्मेशन लेने की, हर हॉल में एक हॉल मास्टर को बिठाया गया है जो आपको उस हॉल से रिलेटेड तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आगे देखिए ये थिएटर है जहाँ पर छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, और यहाँ देखिए मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन आपको एक नज़ारा दिखा दे स्ट्रीट फूड कोर्ट का, जहाँ पर आप राज्यों के जो व्यंजन हैं उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिलहाल बाहरी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको अंदर भी जाकर दिखाएं कि आखिर किन जगहों पर क्या क्या चीज़ें इस बार अवेलेबल है। चूँकि हम बाइक से घूम रहे हैं, मेले को इतने कम समय में इस तरीके से दिखा पाना कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाएं। आगे
कि आगे की किस तरह की रूपरेखा है। और यहाँ हॉल नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। 5 से हम आगे के तरफ चलकर ये दिखाएंगे आपको दूसरी तरफ से जाके, यहाँ से आगे चल के। अब हम पहुँच गए हैं हॉल के अंदर और इस वक्त हम 4, 5 और 3 जो हॉल है उसके आसपास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब बाज़ार में आपको रौनक देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अब लोगों की धीरे धीरे भीड़ जो है वो आपको दिखेगी। हमने आपको बाहर का दृश्य दिखाने के बाद हम आपको हॉल का बाहरी हिस्सा भी दिखाया, और अब हम दिखा रहे हैं वो छोटे छोटे काउंटर्स। यहाँ पर आपको दिखेगा कि तमाम तरह के जो उत्पाद है, चाहे आप कृषि रिलेटेड कह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेंगे, इधर जूते चप्पल की बात कर लेंगे, लाइट्स की बात कर लेंगे, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ क्लॉथ के साथ साथ अन्य चीज़ें भी आपको दिखेगी। यहाँ आप देखिए बैग्स से लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। सामने उत्तर प्रदेश का पवेलियन है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट है, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें आपको दिख जाएगी। इधर कालीन वगैरह आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो इस मेले में आपको उपलब्ध हो जाता है बड़ी ही आसानी से। और इधर देखिए, हर जगह आपको दिखेगा कि ग्राहक जो है वो अब उनकी भीड़ देखी जा सकती है। लगातार अब मेले में जो है वो रौनक पूर्ण रूपेण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ शॉपकीपर्स से भी हम लोग बात करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि आखिर अभी क्या लग रहा है, किस तरह व्यापार के रुख को वो लोग समझ पा रहे हैं। इधर देखिए, तमाम चीज़ें अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब मेक इन इंडिया की बात होती है तो ज़्यादातर जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसे इस बार मेले में लाया गया है। अचार से लेकर, कपड़े से लेकर, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स से लेकर, लेडीज पर्स से लेकर तमाम चीज़ें आपको दिखेगी। ब्लेजर्स, जैकेट, तिलपट्टी, गुरपट्टी, आप जिसे भी कहते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम चीज़ें भी आप देखिए इधर लगी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब और आगे चलते हैं, हम कुछ और जगह पर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये श्री श्याम तिलपट्टी जो है वो ये लोग बनाते हैं, तिलपट्टी, गुरपट्टी, ये तमाम तरह के। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर जो शॉपकीपर हैं वो, और जो ख़रीदार हैं यानी कि जो मेला देखने के लिए आए हुए दर्शक हैं, उनमें भी अलग और गजब का उत्साह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेला घूमकर आ चुके हैं, जो थक गए हैं वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं एकदम रिलैक्स मोड में। वो लोग जो है डिफरेंट चूँकि हॉल को घूम कर आए हैं और अभी रिलैक्स है। मेले का जो समय है वो 6:30 बजे तक है, 6:30 बजे तक लोग यहाँ घूमेंगे, और इसके बाद चूँकि अनऑफिशियल आप कह सकते हैं कि 7 बजे तक मेले में चहल पहल रहती है, क्योंकि उसके बाद दुकानदारों को पैकिंग भी करनी होती है और इसलिए वे अपनी दुकान को क्लोज भी करते हैं।